हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयुर्वेदा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि बेसिक केमिकल प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेदा का, मेटल्स एंड मिनरल्स का किस प्रकार यूज होता था, फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक प्रिपरेशन किस प्रकार होता था, सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट विद आयुर्वेदा। इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज intricately connected with Ayurveda, the traditional system of medicine. Ayurveda is not only a medical science but also include a deep understanding of chemical process related to the use of natural substance, metal, minerals and plant for health and healing. ठीक है, तो basic introduction Ayurveda का क्या है कि Ayurveda मतलब traditional system of medicine. ठीक है, तो जो ancient India का जो chemistry था वो बहुत ही Ayurveda से बहुत गहरे तरीके से connected था, बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ था। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है, आयुर्वेदा का। बट जो आयुर्वेदा था एंशिएंट इंडिया में, इट्स नॉट ओनली मेडिकल साइंस, ठीक है, ये सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं था, बल्कि इसमें जो केमिकल प्रोसेस हैं उनका जो डीप अंडरस्टैंडिंग था वो सभी इंक्लूड था कि किस प्रकार से मिनरल्स एंड जो मेटल्स हैं उन सभी जो नेचुरल सब्सटेंस हैं उन सभी को हेल्थ एंड हीलिंग के लिए यूज किया जाए। ठीक है, जो मेटल्स मिनरल्स जो प्लांट हैं नेचुरल सब्सटेंस हैं उनको हेल्थ और हीलिंग के लिए किस प्रकार से केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको मेडिसिन में परिवर्तन किया जाए एंड उसको यूज किया जाए, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेदा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं था। एंड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली दोज एसोसिएट विथ रसायन एल्केमी प्रोवाइड इनसाइट इनटू हाउ केमिस्ट्री वॉज अप्लाइड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, तो जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं वो बेसिकली हमको बताते हैं कि जो आयुर्वेदा था वो किस प्रकार से इसको मेडिसिन पर मेडिकुलर मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, केमिस्ट्री कैसे अप्लाई होता था इन सब में। तो बेसिक केमिकल प्रिंसिपल की अगर हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा का, सो आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूतास, फाइव एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बोथ द फिजिकल बॉडी एंड द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो आयुर्वेदा का जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो बेस्ड था पांच महाभूतास। ठीक है, फाइव एलिमेंट्स जो थे पृथ्वी, पानी, पृथ्वी, जल, आग, वायु और आकाश। ठीक है, जो पांच महाभूतास हैं वो मानते थे प्राचीन भारत के जो लोग हैं वो मानते थे कि ये जो पांच तत्व हैं इससे ही हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो बना हुआ है, साथ ही साथ जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बना हुआ है, इन पांच तत्वों से ही हमारा बॉडी बना है और ये पूरा पृथ्वी बना हुआ है, वर्ल्ड बना हुआ है। सो आयुर्वेदिक केमिस्ट्री वर्क विथ दिस एलिमेंट टू बैलेंस द बॉडी दोसास वात पित्त कफ। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट थे फाइव एलिमेंट से इनके साथ जो आयुर्वेदिक केमिस्ट्री था इनके साथ जो है इनके साथ ही जुड़कर बना था और ये बेसिकली बॉडी के जो दोष थे वात पित्त कफ इन सबको बैलेंस करते थे। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया के लोग जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते थे वो मानते थे कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये जो नेचुरल वर्ल्ड है ये भी पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं तत्वों इन्हीं एलिमेंट्स के साथ जुड़कर जो है ये हमारे शरीर के दोष वात पित्त कफ इन सबको बैलेंस रखते थे। रस शास्त्र दिस इज द ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा दैट डील विद द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूजिंग मेटल्स एंड मिनरल्स थ्रू केमिकल प्रोसेस लाइक प्यूरिफिकेशन, कैल्सिनेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रोसेस थे प्यूरिफिकेशन, कैल्सिनेशन, एक्सट्रैक्शन, इन सभी को यूज करके मेटल्स एंड मिनरल्स को से जो है मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता था। ठीक है, ये जो ब्रांच था इसको रस शास्त्र कहा जाता था। ठीक है, जो आयुर्वेदा का ही एक ब्रांच था। ठीक है, इसके अलावा यूज ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स एंड मेटल्स का किस प्रकार से आयुर्वेदा में यूज होता था। सो मेटल्स लाइक गोल्ड, स्वर्ण, सिल्वर मतलब रजत, कॉपर, ताम्र एंड आयरन लौह वेयर प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो ये जो थे मेटल्स जैसे जो सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, ये सभी पहले प्यूरिफाई किए जाते थे एंड इसको फिर थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशन, ठीक है, मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता था।
मेनली भस्म के फॉर्म में, भस्म मतलब जो राख के फॉर्म में जो है इसको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था। तो भस्म क्या था, वन ऑफ द की केमिकल प्रिपरेशन इन एंशियंट इन आयुर्वेदा वॉज भस्म विच रिफर टू द फाइन एस ऑप्टेन आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ मेटल्स आर मिनरल्स। ठीक है, तो मेटल्स और मिनरल्स का भस्मीकरण होता था, उनको जो है आग में भस्म मतलब राख बनाया जाता था, फिर उसको जो है दवाई के रूप में मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, भस्म भस्म वेयर मेड बाय हीटिंग मेटल्स एंड मिक्सिंग देम विद हर्ब्स एंड डिटॉक्सिफाई एंड इनहेंस देयर मेडिकुलर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो क्या था, कोई भी मेटल्स हो गया या फिर एलिमेंट हो गया, उसको पहले कैल्सिनेशन प्रोसेस भस्मीकरण के द्वारा भस्म मतलब राख में परिवर्तित किया जाता था, एस बनाया जाता था, फिर उसमें जो है हर्ब्स और डिटॉक्सिफाई हर्ब्स मिलाए जाते थे, जो भी ठीक है जो नेचुरल हर्ब्स होते थे उनको मिलाया जाता था, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता था, जिससे उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनहेंस हो सके। ठीक है, उसमें हर्ब्स मिलाया जाता था, तो इस प्रकार से भस्म तैयार किया जाता था। ठीक है, मिनरल्स एंड मेटल्स को मिलाकर स्वर्ण भस्म गोल्ड एस सो बिलीव टू इनहेंस वाइटिलिटी एंड इम्यूनिटी। ठीक है, तो स्वर्ण जो भस्म था, जो गोल्ड एस था, वो बेसिकली इम्यूनिटी बिलीव करते थे, मानते थे कि हमारे वाइटिलिटी और इम्यूनिटी को इनहेंस करेगा। शिलाजीत मिनरल पीच कंटेनिंग ह्यूमिक सब्सटेंस यूज एज अ रेजुवेंटर एंड एनर्जी इनहेंसर। ठीक है, तो शिलाजीत एनर्जी इनहेंसर के रूप में यूज किया जाता था। ताम्र भस्म मतलब कॉपर एस क्या था, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लीवर डिसऑर्डर एंड बैलेंसिंग पित्त दोष। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स को यूज करके बहुत सारे भस्म बनाए जाते थे, और हर एक जो भस्म था उसका अलग अलग यूज था। जैसे ताम्र भस्म जो है ये लीवर डिसऑर्डर और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता था, वैसे जो गोल्ड एस है, स्वर्ण भस्म है, इसको ये इम्यूनिटी इनहेंस करता था। ठीक है, तो इस टाइप के भस्म बनाए जाते थे मेटल्स एंड मिनरल्स को यूज करके। ठीक है, प्राचीन भारत में, तो ये भी आयुर्वेदा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मर्क्यूरी क्या था, मर्क्यूरी वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन एल्केमिकल प्रोसेस इन आयुर्वेदा, स्पेशली इन द प्रिपरेशन ऑफ रसायंस रेजुवेनेटिंग टॉनिक्स। इट वॉज कंबाइंड विद सल्फर टू फॉर्म रस सिंदूर सिंदूरा विच वॉज यूज इन वेरियस मेडिसिन। ठीक है, तो जो मरकरी था वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था आयुर्वेदा में। बेसिकली ये जो मरकरी था उसको सल्फर के साथ कंबाइन करके रस सिंदूर बनाया जाता था, जो कि बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता था। एल्केमिस्ट इन एंशियंट इंडिया मास्टर द डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मरकरी विच वॉज अदरवाइज टॉक्सिक इन इट्स रॉ फॉर्म। ठीक है, तो मरकरी को अगर रॉ फॉर्म में यूज करेंगे तो टॉक्सिक है। ठीक है, लेकिन जो हमारे एंशियंट इंडिया के एल्केमिस्ट थे वो मास्टर थे मरकरी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, उनको ये प्रोसेस टेक्निक्स पता था कि जो मरकरी है उसको कैसे डिटॉक्सिफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको जो है मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो आयुर्वेदा हैड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस अरिस्ट एंड आसावास वेयर फर्मेंटेड प्रिपरेशन यूजिंग हर्ब्स वाटर एंड नेचुरल सुगर दिस वेयर यूज एज टॉनिक एंड हैड longer shelf life due to their alcoholic content। ठीक है, तो जो आयुर्वेदा था आयुर्वेद में जो लोग थे, जो alchemists थे, उनको पता था मतलब strong understanding था फर्मेंटेशन प्रोसेस का, फर्मेंटेशन और किण्वन वाला जो प्रोसेस है उसका उन्हें बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग था। अरिस्ट और आसावास एक आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ये अरिस्ट और आसावास ये बेसिकली हर्ब्स वाटर नेचुरल सुगर इन सबको फर्मेंटेट करके बनाया जाता था, एंड दिस वेर यूज एज अ टॉनिक। ठीक है, टॉनिक के रूप में एंड हैड अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ ड्यू टू देयर एल्कोहलिक कंटेंट। इसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता था जिसके कारण ये लॉन्ग सेल्फ लाइफ इसका बहुत ज्यादा था, एंड इसको एज अ टॉनिक यूज किया जाता था। अर्जुन अरिस्ट प्रिपेयर by fermenting the bark of the arjuna tree used to improve heart health के लिए जो टॉनिक जो यूज किया जाता था वो था अर्जुना अरिस्ट, जो बेसिकली अर्जुन ट्री के छाल को फर्मेंटेड करके बनाया जाता था। द्राक्षसवा मेड फ्रॉम ग्रेप्स। ठीक है, द्राक्षा हिंदी में ऐसे लिखेंगे जिसका मतलब ग्रेप्स होता है, अंगूर। ठीक है, तो द्राक्षसवा मेड फ्रॉम ग्रेप्स दिस वॉज यूज एज अ जनरल टॉनिक टू प्रमोट्स स्ट्रेंथ एंड वाइटिलिटी। ठीक है, तो ये अंगूर से बनाए जाने वाला एक टॉनिक था जो बेसिकली वाइटिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है, जो उसको इनहेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता था। मेजर टैक्स की अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया में, जो मेजर टैक्स थे जो आप नाम याद रख सकते हैं, पहला है रस रत्न समुच्चय
कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट ऑन द एल्केमी डीलिंग विद मेटल प्यूरिफिकेशन एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन यूजिंग मरकरी. ठीक है, मरकरी को यूज करके कैसे मेटल प्यूरिफिकेशन एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन किया जाएगा. ठीक है, मरकरी को यूज करके ये सब इसमें लिखा हुआ है. कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है रसनवा की अल्केमिकल टेक्स कवरिंग मेटल प्यूरिफिकेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ एलेक्सायर. ठीक है, एलेक्सायर मतलब अमृत को कैसे बनाएंगे उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है. ये प्राचीन भारत के जो टेक्स्ट हैं. ठीक है, तो प्राचीन भारत में एल्केमी प्रैक्टिस करते थे एल्केमी. ठीक है, तो एल्केमी में लोग मानते थे कि हम अमृत बना सकते हैं, पारस पत्थर बना सकते हैं. तो उन सब के बारे में इन टेक्स्ट में लिखाया हुआ है इन बुक्स में. रसेंद्र मंगला एट्रीब्यूट्स टू नागार्जुन फोकस ऑन एल्केमिकल प्रोसेस एंड मरकरी प्यूरिफिकेशन. ठीक है, तो ये नागार्जुन से रिलेटेड है. रसेंद्र मंगला जो मेन फोकस है इसमें एल्केमिकल प्रोसेसेस और मरकरी प्यूरिफिकेशन के बारे में. सुश्रुत संहिता प्राइमरली अ सर्जिकल टेक्स विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स इन मेडिसिन. ठीक है, सुश्रुत संहिता मतलब कि ये सर्जिकल टेक्स है सुश्रुत संहिता. आगे आने वाले वीडियोस में हम इंडिविजुअल टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए. अभी आप इतना समझें कि एक प्राइमरली एक सर्जिकल टेक्स है जो मिनरल्स और मेटल्स को मेडिसिन के रूप में यूज कैसे करेंगे उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है. चरक संहिता आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्स कंटेनिंग इनसाइट इनटू केमिकल प्रोसेस एंड हर्बल फॉर्मुलेशंस. ठीक है, तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्स है जो केमिकल प्रोसेस और हर्बल फॉर्मुलेशंस इसके के बारे में लिखा हुआ है. केमिकल प्रोसेस जो यूज होते थे उसके बारे में. चरक संहिता भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे. तो अभी आप बस मेजर टेक्स के नाम याद रख सकते हैं, जैसे रस रत्न समुच्चय रसार्णव रसेंद्र मंगला सुश्रुत संहिता चरक संहिता ये सब क्या है. बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है आयुर्वेदा का जो एंशिएंट इंडिया में है. ये बेसिकली आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में देखने को मिलेगा. एंड अगर आपको हैरिटन नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं. वहां आपको हैरिटन नोट्स के पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एंड वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.